मॉर्निंग, सब ठीक हो बाबू? लेट्स स्टार्ट अबाउट बाबू इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्लास. यू आर राइट. यू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन क्लास? इट इज द क्लास, इंग्लिश क्लास. डू यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज. बेसिक इंग्लिश क्लास? बेसिक इंग्लिश क्लास योर, ये बेसिक इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगी. एंड बेसिक इंग्लिश क्लास स्टार्ट का मतलब क्या है? इंग्लिश क्लास इंग्लिश है क्या, उसके बारे में जानेंगे. इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू करें, हमको 10 मंजिला पर जाना है, पहला सीढ़ी चढ़े या 10वां सीढ़ी चढ़े या 20वां यानी 20th स्टेयर को एक ही बार में चढ़ जाए, इन वो द फर्स्ट स्टेप. तो क्या हम अपना कहेंगे कि आप लोगों को साइकिल चलाने के लिए सीखना है? ठीक, तो साइकिल खरीदोगे, उठाओगे, बैठोगे और चलाने लगोगे रोड पर, यही है ना? ऐसा ही ना होगा? गिर गई भी क्योंकि आता नहीं था ना पहले. ओ, आता नहीं था, दैट इज द क्वेश्चन. यू आर राइट, आता नहीं था मेरे को पहले से. मैंने क्या कहा कि मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता है, अब मुझे साइकिल चलाना है. We have to ride a vehicle, then we go and buy a vehicle, a new one, and then we ride on the vehicle and we continue to go to anywhere on the road. क्या ये पॉसिबल है? नहीं. क्यों पॉसिबल नहीं है? फर्स्ट, एट फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू राइड अ वास्किल. यू हैव टू लर्न हाउ टू राइड अ वास्किल. एंड एनीथिंग यू फर्स्ट यू स्टार्ट टू डू, जब तुम कुछ भी स्टार्ट करने इसको कोशिश करते हो एबीसी, देन यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न हाउ टू डू दैट वर्क इन द फर्स्ट स्टेज एंड द इनिशियल स्टेज. यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, डोंट वरी, दिस इज द इंग्लिश क्लास एंड वी आई विल हेल्प यू इन एनी मोमेंट एंड स्टेप बाई स्टेप मेक यू लर्न अंडरस्टैंड, मेक यू लर्न एज सुन एज पॉसिबल इन इजी वे इन द इंग्लिश क्लास. कि इंग्लिश क्लास है क्या, तो तुम शुरू से जाएंगे. जो एबीसीडी भी नहीं जानते, जो नहीं कुछ जानते, कभी पढ़े नहीं है, वहां से स्टार्ट करेंगे. हाँ, तो वो जैसा कि फर्स्ट क्लास में एडवांस लर्निंग इंग्लिश क्लास में कहा था कि एडवांस लर्निंग इंग्लिश क्लास में बाबू वहां स्टार्ट होता है कि हमारा टॉपिक, एंड टॉपिक वो क्लियर इसलिए नहीं हो पाता है सभी बच्चों से क्योंकि उन्हें बेसिक नहीं पता होता है कि बेसिक में, क्योंकि आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. अच्छा, कि वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल द एलिमेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हियर. तो मेक अ हेडिंग इंग्लिश लैंग्वेज. लैंग्वेज एंड एलिमेंट्स. सर आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया या ये एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा है बाबू. अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी चीज को जानने के लिए, कोई एक नया वस्तु है, एक न्यू थिंग एंड द स्ट्रेंज थिंग विच इज यूनिक टू यू एंड इन द लाइफ टिल फर्स्ट टाइम यू हैव टू सी, देखना हो. यदि फर्स्ट टाइम आप देखे हैं तो फर्स्ट टाइम देखे तो क्या उसके बारे सर में इसे जानो, क्या लिखना है. वो क्या चीज है. अभी जब बोलेंगे हम खुद बताएंगे बाबू कि लिखना है कि नहीं. तो पहली बार हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे इंट्रोडक्शन. क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन. तो हमने लिखाया है इंट्रोडक्शन क्लास. एंड इंट्रोडक्शन क्लास, सबसे पहले बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज क्या है वो तो हम चर्चा करेंगे ही. इंट्रोडक्शन क्लास एज अ सिलेबस, इंट्रोडक्शन क्लास को आप लोग हेड लिखेंगे बाबू. इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास किसका होगा? तो हमारा और आपका. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज हमें क्या करता है, एक दूसरे से बात करने में, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने में ये मदद करता है. इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट टू ईच वन एंड ईच अदर इन द वेरी सेटिंग इन द वेरियस प्लेसेस. हाँ, बात करने में ये मदद करता है. और ये भाषा, जब हम हमसे बात करना है, मैं हमको मन का बात कुछ बताना है तो कैसे बोलेंगे? या तो लिख कर या तो बोल कर. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लिखित और मौखिक, यानी इन रिटन एंड ओवरऑल. ठीक है, लैंग्वेज के टाइप्स भी देखेंगे बाद में. इंट्रोडक्शन क्लास, परिचय. तो आपका परिचय क्या है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेगा बाबू. तो पहला क्लास हमारा जो है
ये क्लास फर्स्ट यहाँ हम लिख देते हैं, या हमारा ये क्लास फर्स्ट है, तो क्लास फर्स्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में बताएं और कैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस करें, और सभी लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सभी लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस माई सेल्फ डैश, अपना नाम लिखेंगे बाबू, योर नेम प्लीज। माई सेल्फ फ्रॉम, या डायरेक्ट नहीं तो एस, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, अब जहां से हो बाबू तुम्हारा स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, कि अपना स्टेट लिखोगे जिस स्टेट से हो, ठीक है ना। आई एम इधर फ्रॉम, नाउ आई एम, कितने इयर्स के हो यहाँ पर लिखना होगा, इयर्स ओल्ड आई रीड, और स्टडी भी हो सकता है, रीड इन क्लास, जिस क्लास में उस क्लास का नाम, ठीक है, स्कूल का यहाँ लिखा हो इन, और किस स्कूल में हो उस स्कूल का नाम यहाँ जाएगा, स्कूल्स नेम। अनन्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अलीसा भोली ऑन करो जी, अनन्या नेम वीडियो ऑन ठीक कीजिए बाबू। है, अब स्कूल्स नेम हो गया, ये स्कूल कहाँ है ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि घर कहीं और होता है, स्कूल कहीं और होता है, तो इट इज सिचुएटेड हम लिखते हैं, इट इज सिचुएटेड एट, इट इज सिचुएटेड एट, वो स्कूल कहाँ सिचुएटेड है वो लिखना है, एड्रेस देना है, स्कूल का एड्रेस, एड्रेस ऑफ स्कूल, फुल स्टॉप, क्लियर है। अब यहाँ पर इतना हम इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दिए कि हम कहाँ से हैं, कौन कितने उम्र के हैं, किस क्लास में है, किस स्कूल में है, और स्कूल कहाँ है, ठीक है। अब हम अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ से लिखेंगे माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, आपके पिताजी का नाम क्या है वो लिखना है, अब वो क्या करते हैं, ही इज अ या और एन सर्विस मैन है, बिजनेस मैन है, सर्विस मैन, बिजनेस मैन, ठीक है। अब सर्विस मैन में कौन सा सर्विस है वो आप भी लिख सकते हैं, कि टीचर हैं, बैंक मैनेजर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, आर्मी में हैं, तो वो आप सर्विस मैन का सर्विस नंबर पोस्ट भी लिख सकते हैं, और ये जो बिजनेस करते हैं जिनके पापा, वो बिजनेस डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, क्या लिखना चाहते हो, एंड उसके बाद माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, मम्मी का नाम बताना है, डैश, ठीक है। अब वो क्या करती हैं, सी इज नर्स है, डॉक्टर है, टीचर है, या ठीक है ना, यहाँ पर तो आपका अपना मर्जी से होगा, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या फिर कॉमन सा चीज है कि हाउस वाइफ, ठीक है, या हाउस मेकर भी बोलते हैं हम, यहाँ पर आपको भरना होगा कोई एक, ठीक है, जो भी है, फिर कितने मेंबर्स ऑफ फैमिली में, देयर आर डैश, सर, वी हैव टू राइट दिस यस यू हैव टू राइट दिस, अभी इट्स टू ऑन लेट, किया सर, इट्स टू जरा अभी लेट, लिखना यस है, सर ने बोला ही नहीं लिखना है, सर नहीं, अब बोला यहां से स्टार्ट किया ना बोलने के लिए कि यहां से लिखना है, ठीक आप बोले थे जब मैं बोलूंगा तब लिखना, है। क्लास तो आप स्टार्ट, क्लास वन इंट्रोडक्शन, यहां से लड़ाना आप लिखना स्टार्ट करो, और एक चीज और, वन मोर थिंग, यहाँ जब ब्लैंक है वो ठीक अपना भरना है, ठीक है ना, आपने देखो क्या क्या भरना है, है। सर यस सर मतलब जो जहाँ पर हाउसवाइफ हम लोगों को लिख रहे हैं सर,
फैमिली में कितने भी मेंबर्स हो तो सर हम लोग जितने मेंबर्स होते लिख रहे हैं या ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली लिख रहे हैं मेंबर्स में। हमारे फैमिली जो ज्वाइंट फैमिली अलग चीज है, अब वहां पर लिखना पड़ेगा दे आर इतना मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। अब ज्वाइंट फैमिली है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली, आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली, यदि मेंबर्स ज्यादा दिखाएंगे तो। सर तो न्यूक्लियर दोनों है तो मैं क्या लिखूं? क्या सर मेरे पास ज्वाइंट और न्यूक्लियर दोनों है तो क्या लिखूं? फिर मतलब एक ही घर में सब लोग हैं तो फिर ज्वाइंट भी फैमिली क्या लिखो। रहते हैं तो घर में न्यूक्लियर रहते हैं तो न्यूक्लियर, घर में ज्वाइंट हाँ रहते थे ज्वाइंट। ये वाला सबके लिए नहीं है फिलहाल, ऐसे भी ज्वाइंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमको चलो यहाँ हटा दिया। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मम्मी अपनी मम्मी और पापा और उनके बारे में, और मेंबर्स में जो फैमिली मेंबर्स जो भी है आप लिख दो उसमें, अंकल आंटी दादा दादी सब आते हैं मेंबर्स में, ठीक है ना। तो मेंबर्स में दे दो मेनली जो हमको बताना था। हाँ अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के बारे में बोल सकते हो, आई हैव कितने ब्रदर्स सिबलिंग्स, ठीक है ना, सिबलिंग्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने भाई बहन हो, तो सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, कितने भाई बहन हो ये लिख देना है। तो जैसे भाई बहन मिलाकर दो हो, तुमको छोड़ करके दो या तीन हो, या सिंगल हो तो सिंगल हो तो आई हैव नो सिबलिंग्स, यदि तुम सिंगल हो तो आई हैव नो सिबलिंग्स, और यदि ए दो है तीन है चार है तो वहां पर लिख सकते हैं। सर मैं दो हाँ तो दो तो आई हैव वन सिबलिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्योंकि तुम तो खुद है ने बोल रहे हो, और एक सिबलिंग तुम्हारा भाई, जब उस सिबलिंग्स में आएगा ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसका नाम लिख भी सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर अपने बारे में लिखना है, अब यहाँ पर लिखना माई हॉबीज आर, देखो किसी भी व्यक्ति का कोई भी बच्चे हैं तो उसके हॉबीज होते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्क हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होते हैं उन लोगों, वो खाली समय में इन लीजर टाइम या स्पेयर टाइम में या तो हंसना पसंद करता है, या टीवी देखना पसंद करता है, सर या मोबाइल में गेम खेलना पसंद करता है, ठीक है ना। मोबाइल में गेम खेलना पसंद करता है या टीवी देखना पसंद करता है, ये सब सारा चीज कुछ ना कुछ वो पसंद करता है। तो जो जो चीज वो पसंद करता है उसके बारे में, कि वो एक्स्ट्रा काम में एक्स्ट्रा वर्क में क्या करना चाहता है, इसके लिए यहाँ पर है ना दिया जा रहा है। तो माई हॉबीज आर, अब जैसे कोई बच्चा फुटबॉल या क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पर प्लेइंग अपने मन से भरना, माई हॉबीज आर प्लेइंग, प्लेइंग क्या आप खेलोगे, क्रिकेट फुटबॉल या बहुत सारी लड़कियां होती हैं बैडमिंटन खेलना पसंद है, या और भी जो आपको पसंद है खेलना वो आप। मैं एक हाँ वॉलीबॉल आई एम प्लेइंग एंड, खेलना तो पसंद है, खेलना के साथ साथ एंड पेंटिंग ड्राइंग सब हॉबीज में आएगा, एंड पेंटिंग कुछ भी, ड्राइंग, वाचिंग टेलीविजन, जो आपका है वही लिखना, हम सब लिख दे रहे हैं। वाचिंग टेलीविजन, लिसनिंग म्यूजिक, किसी किसी को कान में एयरफोन हेडफोन लगा कर सुनते रहना और गाना सुनते रहना, नहीं मन लगता है तो वो गाना एक्सेट्रा। अब कितना का हॉबीज होता है पेड़ रोपना, खाली समय में जाकर के पेड़ रोपता है, अपना बागी करता है, गार्डेनिंग का काम करता है, ठीक है ना। वो भी यहाँ पर लिखना है, देखो ना तो जल्दी जल्दी फटाफट हम मिटा देंगे ना। है ना माई एम इज, रीड इन क्लास, जितने क्लास में हो क्लास लिखो तुम अपना क्लास। माई स्कूल नेम स्कूल बोलो नेम ऐसी जो बात हमारा करो, भी है वीडियो ऑन उसी करके को बात अनन्या ऑन करके बोले। सर, जो हमारी हॉबी है उसे ही लिखना है ना सर। मेरा वीडियो ऑन नहीं है। क्या लिखना है, क्या बोल रहा है वो, जो हॉबी है हमारी वो ही लिखना है, सारा का नहीं यस लिखना। व्हाट्स योर हॉबीज डिपेंड अपॉन यू, आपका हॉबीज क्या है। प्लेइंग में यदि कोई है तो प्लेइंग में कोई एक डालना है, और पेंटिंग है, ड्राइंग है, वॉचिंग टेलीविजन है, लिसनिंग म्यूजिक है, और डांसिंग हो सकता है इसमें भी, डांसिंग, प्लांटिंग,
हॉबीज तो आपका जो भी है वही लिखना है, ये तो हम सिर्फ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, सबका अलग अलग है तो क्या करें, ठीक है? तो आपको वो लिखना वही है जो आपका अपना पर्सनल है। मेरा कोई हॉबी नहीं है, मेरा ऐसा तो कोई हॉबी नहीं है ना, वो तो लिख देना रीडिंग। ऐसा नहीं सकता। हॉबीज कोई भी नहीं है ना, तो लिखना रीडिंग मैगजीन्स, रीडिंग मैगजीन्स, यदि कोई हॉबी नहीं है तो। मैं तो कॉमिक आई वॉन्ट टू पढ़ती हूँ बिकम, क्या सर, मैं तो कॉमिक बनना पढ़ती चाहते हो? ठीक है, ए और एंड दोनों में देंगे। अब यहाँ पर जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारा है, इंजीनियर, IAS, नहीं। ये क्या आपको भेजना होगा, IPS, बोलना नहीं IPS, है क्या आपको क्या? भेजना होगा सर, साइट। हाँ, ये पूरा लिख लिया बाबू, कंप्लीट। नो सर, हैव यू कंप्लीटेड बाबू? नो सर, लेट मी नो सर, नो फिल सर। इन द बोर्ड। अनिको कहाँ भी जियो भोला, गप करने में लगा हो निको, बहुत पिटेंगे जी। नो सर, दादा पर अरे बर्तन जरा। सॉरी, इसके बाद आप फिर इसके कौन सा लाइन में, अभी स्कूल्स नेम स्कूल्स नेम में हो? इट इज सिचुएटेड, इट इज SITUATED, सिचुएटेड एट एड्रेस ऑफ अ स्कूल। साइड प्लीज सर, ओके, डन। डन सर, डन सर, डन। डन हो गया सबका? और कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स? ओके, ठीक चयन, बदमाशी कर रहे हो, उठा बैठी कर, तुरंत करवा दूं क्या? ठीक ब्लर आ रहा है सर, जब ब्लर आ रहा है भूमि, हैव यू कंप्लीटेड भूमि? सर, इट्स कमिंग ब्लर। सर हेट माय वर्ड यस, सर, बोलो, क्लियर सबका हो गया? ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। शिवांश बाबू, वीडियो ऑन कीजिए शिवांश। शैतान है, ए उत्कर्ष भोला, ऑन करो बब्बू। सुनता ही नहीं है, क्लियर है वो? ठीक है ना, अब यहाँ पर हम भरने की कोशिश करेंगे, तो सब लोग को भरना है, यदि किसी को फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा। हाँ बोल, आप क्या लिखे साइड में सर? फादर्स नेम के पहले मिस्टर या मिसेस लगाना है क्या? नहीं कुछ नहीं आई करना, कुछ नहीं लगाना है। ठीक और
अब मिटा रहे हैं बाबू, इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। सर मैं अभी नहीं लिखी हूँ। इट्स टू लेट बेबी। सर तो अभी मैं नहीं लिखी मम्मा हूँ। माय मदर्स नेम इज, मिटा दीजिए फिर मैं। फर्स्ट पेज पर ये चाहिए हमें। डन योर इंग्लिश फेयर कॉपी इज रेडी टू डू योर फेयर, मेक योर फेयर कॉपी ऑफ इंग्लिश एंड एवरी संडे। सर, एंड मेरा तो द फिर अभी भी तो फर्स्ट टीचर क्लास यू हैव टू पुट द नोट ऑन क्लास फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास एंड द फर्स्ट पेज यू हैव टू सबमिट एंड सेंड इनटू द होमवर्क ग्रुप। सर, बट होमवर्क ग्रुप में अगर हम ये होमवर्क और नोट्स भेजेंगे तो बहुत सारे लोग ना उसको देख के लिख लेते, जैसे हम होमवर्क दिए और किसी को समझ में Yes, नहीं आता ना। this is not the problem because if your introductions and the details about yourself is not copied by anyone, your नो name, सर, father's मैंने name, बोला अभी ये everything. तो बहुत कॉमन है, लेकिन आप जब पहले होमवर्क देखते या आगे होमवर्क हाँ, दोगे and in the previous classes it make mistakes, it made mistakes. लोग अभी It एडवांस will be सुन removed रहे हैं and अभी you have to provide the ओनली personal number. You साइड, will be provided the personal number of mine and you will after that like the next class whenever you have to go get the homework you will send me on the personal number of my WhatsApp number. Is that clear? And ओके सर, मतलब अभी जो आपने दिया है वो ग्रुप में सेंड करना है, लेकिन now this time this homeworks only you send in group. English basic English group. ओके सर, एडवांस इंग्लिश का पर्सनल नोट कौन सर प्लीज वेट। सा have you done? यस सर, यस सर, All students have done, Babu. यस सर, यस सर, नो सर, नो नो सर, यस सर। Only I have you give him 1 minute. Only 1 minute. After 1 minute, I will erase all the data. सर सर, अभी आपने जो एडवांस इंग्लिश में लिखाया है लैंग्वेज के बारे में, हम लोग तो खुद भी नहीं देखे थे। You हम don't लोग discuss about the advanced English class. Because it is not your advanced English card, it is the basic class. You will only allowed to discuss about basic English. व्हाट वी विल राइट राइट आफ्टर दिस। Again, Prisha. सर इसके बाद सर, Tell me again. Your voice is not clear to me. सर आई एम नॉट एडेड इन द इंग्लिश क्लास। You have written down all the information. Any problem? सर डॉन सर, Okay, बात done. सर वो बोल रही है कि वो Sir, इंग्लिश में ज्वाइन नहीं है, इंग्लिश ग्रुप में। you are not. If you have not joined in the WhatsApp group, you tell to your teacher. You tell the sir, and. He will join. He will make you join in the WhatsApp group. सर हमें वही पुराने ग्रुप में ही ना भेजना, या इस बार नया ग्रुप बना है। नो, पुराना इंग्लिश ग्रुप का बना होगा ना?
पुराना इंग्लिश ग्रुप भेजा और हुआ है, मेरा आज का होमवर्क, टुडेज होमवर्क, ग्रुप पहले आज का होमवर्क आपको भेजना है, आपका होमवर्क भेजना है आज, आज जो भी इसको बना के भेजेंगे वो ग्रुप में भेजना है बाबू। और नेक्स्ट टाइम से जब भी इंडिविजुअली जब दिया जाएगा कि जिसका सबका समान आंसर यानी एक जैसा इक्वल आंसर होगा, तब हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप में मंगवाएंगे, ठीक है? सर एडवांस और बेसिक का अलग ग्रुप होगा। दोनों का होमवर्क अलग होगा तो अलग अलग होगा ना। सर तो मुझे दोनों ग्रुप में ज्वाइन करिएगा। सर मुझे एडवांस इंग्लिश ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों तुम्हें एडवांस क्यों, बेसिक क्लियर है वो? यस सर। सर राजकिशोर सर बोले थे दोनों क्लास करने। ओके, पार्ट्स सर ऑफ मेरे स्पीच पूरा जिसका क्लियर है उसको कोई सर नो फाइव प्रॉब्लम, सिक्स और सेवन एट को वही बोले पढ़ा है। दोनों क्लास करने के लिए। ओके सर डन। सर डन। यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फिल इन द ब्लैंक गिवेन इन योर आंसर क्वेश्चन शीट एंड यू विल सबमिट देम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द नेक्स्ट एक्सक्यूज वी मी विल सर, डिस्कस एक्सक्यूज अबाउट द लैंग्वेज बिकॉज मी दिस द सर, लैंग्वेज सर यस आई एम द मदर ऑफ पीयू कुमारी, सी इज न्यू। व्हाट इज Yes. योर व्हाट्सएप नंबर? My WhatsApp number I will write on the board, ma'am. After finishing the class. इज न्यू। My WhatsApp number, a personal WhatsApp number. After the class, I will write down on the board. ओके दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लीज। Your what is the first time in online class? पीहू Yes, okay. Now, pure start to write, Babu. All students start with along with me. Language, bhasha. Language is a very important thing in our life. So we can say about the language. Without language, we can't do anything. We can't do anything without language. If the language is not existent, exist on the earth, we have to pull down and kneel down and stay sitting at the corner of the room or in the forest. And we cannot share, we cannot लिखो communicate, we cannot share our emotions, feelings, and wants to do anything, wants to do any words to communicate. These are not possible if the language is not existing. So language is very important and there are different types of language. जैसा कि हमने कहा है, as I told कि language लेकिन बहुत सारे प्रकार के लैंग्वेज होते हैं. वी कैन नॉट स्टिल एट वन लैंग्वेज, सुनो क्योंकि वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हम लेकिन जानेंगे तो हम अपने पूरे सराउंडिंग एरिया में है ना रह नहीं सकते और ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं. तो ब्रॉडली यदि हमें काम करना है और बहुत जगह जगह पर ट्रैवल करना है, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है खासकर देखो स्पेशली फॉर स्पेशली ट्रैवल फॉर दोज हु यानी लव ट्रैवलिंग, जिसको ट्रैवलिंग पसंद है उसके लिए लैंग्वेज तो ट्रैवलिंग बहुत क्या होता ज्यादा है, मतलब जरूरी है. घूमना और खासकर एक जगह दो से दूसरे लैंग्वेज, जगह दो जाने दो क्या दो होता लैंग्वेज जानते हैं उसको बैलिंगुइस्ट कहा जाता है या बैलिंगुअल कहते हैं. तो बैलिंगुइस्ट जो होते हैं, हाँ वो दो लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश जानो या उर्दू बांग्ला इंग्लिश जानो या मराठी इंग्लिश जानो या फिर जो भी एक लोकल लैंग्वेज जानो और एक इंग्लिश जानो. इंग्लिश इज कॉमन, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ऑल द स्पोर्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे. हाँ बट जो लोकल लैंग्वेज है वो भी वो यूज करेंगे. जैसे हम लोग हिंदी प्रदेश,
इंग्लिश स्टेट से आते हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, उसी प्रकार जो बंगला बंगाल में रहेंगे वहां जो रहेंगे वो बंगला बोलेंगे। इस प्रकार से एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में हम लैंग्वेज को लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले व्हेन वी विल स्टार्ट अबाउट द लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, फारसी हो, स्पेनिश हो, हाँ, या फ्रेंच हो, या चाइनीज हो, कुछ भी, तो उसे पढ़ने से पहले क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट यानी लैंग्वेज कहाँ शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज शुरू करने से पहले हमें क्या बना, सेंटेंस होता है। सेंटेंस कैसे से बनता है, वर्ड से, और वर्ड्स कैसे से बनता है, लेटर से। इसे हमें पूरा एकदम बियॉन्ड जाना पड़ेगा, एकदम पीछे जाना पड़ेगा, ध्यान जानेंगे तो लिखेंगे क्या इस प्रकार से कि लैंग्वेज में हमें सबसे पहले लेटर्स की आवश्यकता होगी, लेटर्स की आवश्यकता होगी, लेटर्स। और बहुत सारे जब लेटर्स मिलेंगे तो बहुत सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड्स यानी वर्ड्स का निर्माण करेंगे, और वर्ड्स जब बनेगा तो वर्ड्स मिल करके सेंटेंसेस बनाएंगे, और सेंटेंसेस बनाएंगे या उसका फ्रेज बनाएंगे या क्लॉजेस बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लॉजेस बनाएंगे, और तब यही सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लॉजेस मिल करके ना स्टोरी बना सकते हैं, ऐसा कहें पैराग्राफ, पैराग्राफ बना सकते हैं, नोवेल्स लिखा जा सकता है। इस प्रकार से जो कोई भी स्टोरी, ऐसे पैराग्राफ और नोवेल्स ये लिख रहे हैं, दैट मीन्स यही तो हमारा, जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वही हमारा लैंग्वेज है, वही हमारा लैंग्वेज है। अब यदि ये जो लेटर्स है, ये लेटर्स यदि हिंदी का हो, अब यदि हम यदि बात करें हिंदी का हो, ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं, यदि हिंदी का हो तो ये सारा हिंदी हो जाएगा, तो लैंग्वेज हमारा हिंदी हो जाएगा। यदि इसी चीज को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लेटर्स जानेंगे, तो इंग्लिश का लेटर्स जानेंगे तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज तक पहुंचेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी का भी जो लेटर्स होता है वो सबसे छोटा इकाई होता है। तो हम यहाँ पर कहते क्या हैं, कहते ये हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट या द स्मॉलेस्ट यूनिट या द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट या एलिमेंट क्या होता है, ऑफ लैंग्वेज इज अ लेटर, इज अ लेटर, यानी कि वह उसका क्या होता है। हम लेटर का मतलब यहाँ वर्ण भी बोल सकते हैं, और लेटर को हम यहाँ पर अक्षर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटर का मतलब अक्षर, ठीक भैया है। और वर्ड्स क्या बनता है, तो वर्ण और अक्षर के मिलने से शब्द बनते हैं, और शब्द बन जाते हैं तो शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य, वाक्यांश, वाक्यांश, शब्दों के मिलने से वाक्य भी बनता है, वाक्यांश भी बनता है, और उपवाक्य भी बनता है, जो हम सबका इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन सभी को बनने के लिए सबसे छोटा यूनिट चाहिए, जो कि लेटर्स है, क्योंकि लेटर्स है। बड़े बड़े स्टोरी, पैराग्राफ और नॉवेल्स लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटेंसेस और फ्रेजेस, क्लॉजेस, और वे क्या चीज से बनेंगे, वर्ड्स से, और वर्ड्स बनेंगे लेटर्स से। इसलिए कोई भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट हमारा, ठीक है, वो लेटर ही होगा। दूसरा, यदि इन लेटर्स को हम अरेंज करें, अरेंज करके बोले, तो यदि हम बात करें हिंदी और इंग्लिश में, तो लेटर्स की संख्या कितनी है, तो इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, Then we have to write this. यस बाबू, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं, 26, यहाँ ध्यान दो, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। तो इन देयर आर 26 लेटर्स, एंड दे आर कॉल्ड अल्फाबेट, और उसे हम अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। यदि वे 26 लेटर्स एक साथ हैं, तो 26 लेटर्स जब एक साथ होंगे, अब देखिए यहीं पर ध्यान दीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का बात कर रहे हैं, तो यही लेटर्स है जो कि हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है।
हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, जबकि हिंदी में सीधे 26 का दम दुगना करेंगे, है ना। हिंदी कैसे आगे बढ़ेगा, तो 26 × 2 यानी 26 का दुगना यदि करेंगे, 2 टाइम्स छप्पन गुना होगा तो 52। तो हिंदी में यदि बात करें वर्ण कितने हैं या अक्षर कितने हैं, तो 52, और ये सारे वर्णों को हम बोलेंगे इसमें वर्णमाला। 52 वर्ण होता है, ये पूरे ग्रुप को यानी 52 ग्रुप को बोलेंगे वर्णमाला, इसलिए 26 लेटर्स को हम इंग्लिश में बोलेंगे अल्फाबेट। 26 लेटर्स को हम इंग्लिश में बोलेंगे अल्फाबेट। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स एंड दे आर कॉल्ड अल्फाबेट। दैट इज कहाँ से होगा, यहाँ से लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, है ना, जेड, ठीक है। या इन स्मॉल लेटर हम दे सकते हैं, एबीसीडी पूरा क्यों लिखना है, ऐसे करके खत्म करो ना। ए बी सी, ये पूरे को अल्फाबेट कहते हैं, और एक को पूरे को अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन ए क्या है, लेटर है, बी क्या है, लेटर है, लेकिन ए से लेकर जेड तक क्या है, अल्फाबेट है। ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार जेड, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो बेसिक टाइप था वो आपका इंग्लिश में लिखा क्या? बेसिक, हाँ बेसिक इंग्लिश टाइप आपका खत्म हो गया, हमने समझा। आगे आप चर्चा करेंगे लेटर्स, 26 लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं, और आगे अल्फाबेट का आप जानकारी, अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे हम द अल्फाबेट, और अल्फाबेट से आगे बढ़ेंगे कि अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल क्या होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है, इन सभी का चर्चा, जिसमें ए और एंड का भी प्रयोग में आएंगे। तो द अल्फाबेट का चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाबू। यहाँ पर आप लेटर्स को समझें कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिसको अल्फाबेट कहते हैं, और हिंदी में 52 जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, और लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को लेटर कहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होता है, जो कि ये है। तीसरा पॉइंट ये है बाबू, तीसरा पॉइंट ये है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, लेकिन उसका आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज अ लैंग्वेज, है ना, ठीक है। सर, कैन यू बी साइड फॉर अ मिनट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो इतना हाउ सारा मेनी टाइप्स लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, दो ही तो दे रहे हैं, ठीक है, नाम भी है ना। लिखूंगा हाँ, कितने टाइप्स हैं तो लैंग्वेज वो नाम लिखना है ना, यहाँ पर देखो। हाँ, का। लैंग्वेज में यहाँ पर क्या होता है कि लैंग्वेज में क्या होता है, क्या है वो तो हम बता ही देंगे। हाँ ना, द फर्स्ट स्टेज, सर द आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेज और द सर स्किल ऑफ अ लैंग्वेज इज, अ लैंग्वेज इज लिसनिंग, लिसनिंग, ध्यान देना बहुत बड़ा चीज है। कहता है कि भाषा का पहला कौशल, भाषा का पहला चरण, भाषा सीखने का पहला चरण या कौशल क्या है। तो पहला चरण या कौशल का बात करें कि हम भाषा, किसी भी भाषा को कैसे समझ सकते हैं, किसी भी भाषा को कैसे सुन सकते हैं, तो उसका पहला चरण है बाबू लिसनिंग। पहला चरण है लिसनिंग यानी सुनना। यदि किसी चीज को हम ध्यान से सुनेंगे, कोई भी चीज को हम ध्यान से पहला सुनेंगे, तो उस भाषा को हम कैच करते हैं और उसी को हम अपना मुंह से निकालते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को तब तक नहीं बोल सकते जब तक उस चीज को हम सुनेंगे नहीं। क्योंकि पहले लिखना नहीं होता था, पहले लिखा पढ़ा नहीं जाता था, पहले सिर्फ बोला जाता था, लोग सुनते थे और उसी चीज को फिर से बोलते थे, जिस समय कागज कलम कॉपी का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, द फर्स्ट स्टेज स्किल ऑफ अ लैंग्वेज इज लिसनिंग, इसलिए इंसान को लिखने और बोलने, तो कहता है कि लिसनिंग इज मोर पावरफुल देन स्पीकिंग। बोलने पर भरोसा मत करो कि हम क्या बोल रहे हैं, सुनो ज्यादा, लिसन मोर एंड स्पीक लेस, ऑलवेज रिमेम्बर
स्पीक लेस एंड लिसन मोर। और चाहे वो टीचर्स का बात हो, पेरेंट्स का बात हो, सुनना ज्यादा है बोलना कम है। बट इसके अपोजिट लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे ही करते हैं। अपोजिट क्या, बोलेंगे पट 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 पट, काम करेंगे कम। तो ज्यादा बोलने वाला होशियार नहीं होता है, सुनने वाला होशियार होता है। इसको याद रख, क्लियर? राइट डाउन। सर यस सर आपने अभी जो दिया व्हाट इज अ लैंग्वेज, उसमें हम अ का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज लैंग्वेज नहीं लिख सकते? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना, लैंग्वेज बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हाँ, फिर देखो, यदि अ का प्रयोग नहीं कर अ का प्रयोग नहीं करते हैं तो हाउ मेनी क्यों लगा रहे हैं? हाउ मेनी काउंट नहीं ना होगा ना फिर, क्योंकि एक लैंग्वेज के बारे में, ये हमारे मतलब किसी भी लैंग्वेज का मतलब, एक का मतलब एक नहीं होता है, किसी या कोई। कोई भी लैंग्वेज क्या है, किसी या कोई के सेंस में एक आप नहीं जानते होगे इसका मतलब। ए और एन का मतलब यदि आपको पढ़ाया गया होगा सिर्फ एक, तो गलत पढ़ाया गया होगा। ए का मतलब ओके कोई होता है और एक का मतलब किसी भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पर व्हाट इज अ लैंग्वेज, कोई भी भाषा क्या है, तो वो चाहे वो भाषा कोई भी हो, क्योंकि बोलने में जरूरी है कि हम इंग्लिश ही बोलेंगे, हिंदी ही बोलेंगे, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। तो भाषा का मेन मीन क्या है, भाषा को पढ़ने और समझने का मतलब क्या है, चाहे हम कोई भी भाषा जाने, इसका एक ही मकसद होता है, एक दूसरे से बात करना, अपने मन के भाव विचार और इमोशंस को बताना। क्लियर अब? यस सर। ऑल तो फिर वो क्लियर? क्वेश्चन सर हमारे पब्लिक है सर, तो ग्रुप में ऑल फिर क्लियर अब? यस सर। डन सर। सभी लोग इंट्रोडक्शन क्लास का भर कर अच्छे से, है ना, गैपिंग को भर करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, इंग्लिश ग्रुप में, कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रुप में। सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन का पेज भर कर भेजें। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।